उनका बताया भविष्य कभी गलत नहीं होता, और फिर जब सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो फिर क्या मतलब इतनी मेहनत करने से? फर्क पड़ता है, और वो फर्क है कोशिश का। निरंतर कोशिश और आलस्य का त्याग सफलता की कुंजी है। कोशिश तो करनी ही होगी, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः, माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो, फल पर नजर रखकर कर्म ना करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में तो केवल कर्म करना ही है, लेकिन अगर कर्म ही छोड़ दोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? बाबू, वो भविष्यवाणी सुनकर तुम्हारा दिल डोल गया है, डर गए हो तुम, इसलिए तुम कर्म करने से भाग रहे हो। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारा भविष्य जितना हाथों की रेखाओं पर निर्भर करता है, उससे कहीं ज्यादा हाथ की कलाई पर निर्भर करता है। निरंतर अभ्यास से हम ना सिर्फ अपने हाथ की रेखाओं को, बल्कि अपनी जिंदगी की दशा और दिशा को भी बदल सकते हैं। साईं बाबा, जिस तरह आप ज्ञानी हैं, आपने बिना मेरे बताए ही वजह जान ली, उसी तरह अभियंकर गुरुजी भी ज्ञानी हैं। उनका कहा हमेशा सच होता है, और इस बार भी होगा। ना ये मेरा डर है, ना कर्म से पलायन, बल्कि मैंने अपनी नियति स्वीकार ली है। मुझे तो ये परीक्षा की सारी गतिविधि ही क्लेशदायक लग रही है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस साल नहीं, अगली साल परीक्षा में बैठूंगा और सफल भी होऊंगा। ठीक है, छोड़ दो इस विषय को। फिलहाल एक काम करोगे मेरे लिए? बाहर धुनी के लिए कुछ लकड़ियां रखी है, उनमें से सबसे मोटी लकड़ी तुम्हें जो लगे उसे ले आओ। आप निराश मत होइए, आपके बेटे में आत्मविश्वास की कमी है, वो बहुत जल्द डर जाता है, कोशिश छोड़ देता है। उसके मन में वो भविष्यवाणी बैठ गई है, उसे बाहर निकालने की जरूरत है। श्रद्धा और सबूरी रखिए, राम जी सब ठीक करेंगे। बाबू, अगर इस लकड़ी से मुझे मूर्ति बनानी है तो क्या करना होगा? इसे छेनी हथौड़ी से छीलना होगा, आकार देना होगा, लेकिन इसका मेरी परीक्षा से क्या संबंध?
समझ लो ये लकड़ी हम हैं और छेनी हथौड़ा वो परीक्षाएं। तुम ही बताओ जो इम्तिहानों से भागेगा वो अपने जीवन को आकार कैसे दे सकेगा। तुम परीक्षा दोगे बाबू और तुम्हारा मन भी तुम्हारे इस फैसले में साथ देगा और मैं तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तेंदुलकर जी आप सब धर्मशाला जाकर विश्राम कीजिए और शाम को बाबू को अकेले पार्का माई भेज दीजिएगा। जो आज्ञा बाबा, चलता हूं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए पर सच ये है कि मेरा सफल होना नामुमकिन। क्या मुमकिन क्या नामुमकिन। अल्लाह मालिक। बाबा हम सोच रहे थे कि फसल कटने के बाद हम अम्बा के घर जाएं और भाऊजी को समझाएं। अम्बा तुम्हारे दादा तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं, उन पे भरोसा रखो। अगर वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो अपने आप तो सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। पहल तो हमें ही करनी होगी ना। हौसला रख, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं वहीनी, हो गया, अब और नहीं। मुझे उस नरक में वापस नहीं जाना है। अम्बा हम सब ऐसे ही थोड़ी तुझे वहां भेज देंगे। देखो जब तक उस नरक को हम स्वर्ग नहीं बना देते, जब तक श्रीरंग भाऊजी अपनी भूल स्वीकार कर अपने में बदलाव नहीं ले आते तुम यही रहोगी। और फिर हम सब भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम्हारी भी गृहस्थी हम सब की तरह खुशहाल हो। तेरे दादा सही कह रहे हैं अम्बा, तेरी यहाँ रहने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दमयंती दिखाओ। आनंदी थोड़ा पानी दो तो। कितनी बार कहा है कि संभाल कर काम किया करो। ताई आप रहने दीजिए, मैं बना लेती हूँ। पर तू अकेली कैसे। मैं कर लूंगी ताई, आप जाइए। हाँ सुन भाई, तुम उठो, आनंदी बना लेगी। एक काम तो ठीक से कर लिया कर, अब इसका बहाना करके हमें भूखा मत मार। चल जलीली भाकरी बना। अम्बा खा। त्र्यंबक चिंतामणि, खाना खाने के बाद हम मिलते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा।
तुम्हारी आई की इच्छा के मुताबिक सुनबाइयों के लिए ये हार लाया हूं। पर बाबा, आपने तो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, फिर आप ये क्यों? अंबा के इस तरह वापिस आने से किसी को अपनी सुध नहीं है। तुम्हें कहा जरूर था, परंतु तुम भी दुखी थे, और ये हार लाना भी जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी आई का आदेश जो था, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही ले आता हूँ। आधी रात के बाद गुरु पुष्य का मुहूर्त शुरू होने वाला है, तब ये हार सुनबाइयों को दे देना। लेकिन बाबा, अंबा के साथ जो हुआ है उसके बाद ये... अंबा की चिंता मुझे भी है, बेटी है वो मेरी, उसके जज्बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ मैं, इसीलिए तो उसके सामने नहीं दिया। मगर मेरी बेटी की गृहस्थी में आज संकट है, इसलिए बहुओं के साथ अन्याय तो नहीं होने दे सकता। साईं बाबा, शाम से आधी रात हो गई है, कृपया करके आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब बताने का समय आ गया है, तुम्हें एक छोटा सा काम करना है बाबू। क्या? मुझे तो लगा आपने मुझे यहाँ मेरी मदद करने के लिए बुलाया है, उल्टा आप मुझसे ही काम करवा रहे हैं। खैर ठीक है, बताइए। काम मुश्किल नहीं है, और इस काम से तुम्हारी मदद ही होगी, तुम्हारा डर चला जाएगा, तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, और तुम परीक्षा देने से भी नहीं डरोगे। ऐसा कौन सा काम है? ये सिक्का तुम्हें अभी जाकर खंडोबाजी के मंदिर में रखकर वापस आना होगा। अभी? हाँ, कोई परेशानी? साईं बाबा, बाहर बहुत अंधेरा है, ऊपर से मैं शिरडी को अच्छे से जानता भी नहीं, कहीं भटक गया तो? धर्मशाला के पास ही है, और तुम्हें उधर का रास्ता तो पता है, फिर कैसे भटक जाओगे? कितना अंधेरा है बाहर, रास्ता भी सुनसान ही होगा, कहीं रास्ते में चोर डाकू हुए तो? डरो मत बाबू, जाओ। ये सिक्का जैसे ही तुम रख कर आओगे, तुम्हारा मन परीक्षा के लिए अपने आप तैयार हो जाएगा, बस एक बार कोशिश करो। ठीक है साईं बाबा, मैं कोशिश करता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। Thank you.
दिखाओ। कितनी बार कहा है कि संभाल कर काम किया करो। अब इसका बहाना करके हमें भूखा मत मार। चल जलेली भाकरी बना। आनंदी वहिनी और दमयंती वहिनी भी पराए घर से आई है, फिर भी उन्हें इस घर में भरपूर प्यार और सम्मान मिलता है। भाई बाबा का स्नेह मिलता है, पति का प्रेम मिलता है, मेरे हिस्से में ऐसा क्यों नहीं? हर घर मेरे मायके जैसा क्यों नहीं होता? एक बेटी के रूप में जो प्यार मुझे मिला, बहू के रूप में क्यों नहीं मिला? रात को कौन जाग रहा है? बाबा खुद जाकर ले आए हैं ये हार। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये सवाल तुम आई बाबा से पूछो तो बेहतर। साई, मैं कैसी लग रही हूँ? तू कैसी लग रही है? ये तो त्रंबक के चेहरे की चमक ही बता रही है। साईं बाबा, साईं बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश की जाने की पर मुझसे नहीं हो पाया। इतनी रात को अकेले जाना मेरे बस का नहीं। कोई बात नहीं बाबू, इस बार मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। तुम आगे आगे बढ़ना, खंडोबाजी के मंदिर में जाना और सिक्का रखकर वापस आ जाना। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तुम। आपको डर नहीं लगेगा? शिरडी घर है मेरा, और अपने घर में कोई डरता है? अब चलो। डरो मत बाबू, बढ़ते रहो, मैं पीछे हूं। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। धर्मत बाबू, तू अकेला नहीं है, साईं बाबा तेरे साथ हैं। आगे बढ़ते रहना। हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला। हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। विपदा के क्षण भजता है मन साई बारंबार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। Oh,
मैंने कर दिया, अब अंदर चलकर साईं का इंतजार। साईं, साईं आप तो मेरे पीछे थे ना, फिर मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हारे पीछे ही था बाबू, बस द्वारका माई के द्वार पर रुक गया था। लेकिन आपने तो कहा था, तुम्हें समझाना था, जब तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो तो डर के कारण, भय के कारण अपना काम नहीं कर पाए, लेकिन जब तुम्हें लगा कि कोई साथ है तो तुमने काम पूरा कर लिया। हालांकि अब भी तुमने अकेले ही किया है, अंतर सिर्फ इतना था कि तुम्हारा डर खत्म हो गया था, इसीलिए तुम कर पाए। बाबू, जिस तरह मेरे साथ होने के एहसास और इस विश्वास के बलबूते पर तुमने काम किया, वैसा ही विश्वास अपने रामजी पर रखो, वो तुम्हारी परीक्षा का डर भी खत्म कर देंगे और तुम जरूर सफल होगे। आप पर भरोसा करके गया था मैं, और आपने, अगर रास्ते में मुझे कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ नहीं ना, सही सलामत हो, ना अंधेरा कुछ बिगाड़ पाया तुम्हारा, ना ही जंगली जानवर। सोचो बाबू, सिर्फ मेरे साथ होने के विश्वास ने तुम्हें अपने डर से लड़ने की शक्ति दी। जो काम तुम्हें सौंपा गया था वो कठिन नहीं था, तुम्हारे डर ने उसे कठिन बना दिया था, जबकि वास्तविकता ये है कि तुम प्रतिभाशाली हो, मेधावी हो, और सबसे अधिक तुम मेहनती हो। परीक्षा की अच्छे से तैयारी भी की है तुमने, परिणाम के डर को छोड़कर अगर परीक्षा दो तो मुझे विश्वास है सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी बाबू। लेकिन निडरता का सफलता से क्या संबंध? समझाता हूं। देवा, ये क्या हो रहा है? मुझे क्या, मुझे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, वो भी अपने घर वालों से? नहीं, चिंतामणि दादा, त्रिंबक दादा मेरे सगे भाई है, उनकी कृषि से मुझे जलन कैसे हो सकती है? उनके सुख को मैं नजर कैसे लगा सकती हूँ? नहीं, ये गलत है, ये पाप है। क्या तुम्हें इसमें आटा दिख रहा है? जी बाबा। क्या इस आटे से रोटियां बना सकते हैं हम? ध्यान से देखो और बताओ। इसमें तो अशुद्धियां हैं, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या लेना देना? तुम ये बताओ कि इसे खाने लायक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? चलनी से चालना होगा। Thank you.
अब ये खाने लायक है? जी साईं, लेकिन इसका मेरी परीक्षा से या मेरे डर से क्या संबंध? बाबू, ये आटा तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे हुनर, तुम्हारी मेहनत की तरह है, और ये अशुद्धियां क्रोध, ईर्ष्या, डर जैसे बुरे विचार हैं। जब तक ये आटा और अशुद्धियां साथ साथ हैं, तब तक ये किसी लायक नहीं है। इसीलिए इन्हें छान कर अलग करना पड़ता है। हमें भी यही काम लगातार करना चाहिए, अपने मन से अशुद्धियों को छान कर अलग करने का काम, ताकि मालिक ने हमें जो भी काबिलियत बख्शी है, हम उनका लाभ उठा सके। वहीनी, ये चोट कैसे लगी? रोज की तरह फूल लेने गई थी मेरे लिए, पैर टूटी हुई टहनी पर पड़ गया, लकड़ी नोकीली थी पैर में घुस गई। कितनी दफा इससे कहा है कि ये फूल वूल जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं। खून बहुत बह रहा आनंदी, जल्दी से गरम हल्दी का लेप लगाना होगा इस चोट पर, वरना ये घाव जख्म बन जाएगा। आई, मैं अभी लेप बना के लाती हूँ। आई, आई, बहुत ठंडी लग रही है, जल्दी से तैयार कर दो ना। दमंती, तुम बच्चों को तैयार कर दो, लेप अम्बा ले आएगी। वैसे भी आज रसोई भी तुम्हें ही बनानी होगी, आनंदी की जो हालत है वो आज कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ अम्बा, दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अकेली दमयंती वहीनी क्या क्या काम करेंगी, तुम वैसे भी खाली बैठी हो। अम्बा जाओ, जल्दी से लेप लेकर आओ। चलो बच्चों। ऐसे कैसे दादा ने कह दिया कि खाली बैठी हूं? बेटी मायके आके आराम नहीं करेगी तो कहां करेगी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.